हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो हम सभी को एक ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है जो बिल्कुल भी डल ना लगे, राइट? तो बट आजकल का जो डस्ट, डर्ट, पोल्यूशन है, इन सब की वजह से हमारी स्किन डल होती जा रही है। उसके लिए वेल आई नो लॉट ऑफ अस आर फेसिंग दीज इशूज़ एंड आप सब मेरे से बहुत बार पूछते रहते हैं कि आपकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट क्या है, ये इतनी शाइन कैसे करती है, क्या करते हो आप ऐसा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर दैट प्रोडक्ट विद दी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इन द मार्केट एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्लीचेस की। तो अभी आप मुझे बोलेंगे कि ब्लीचेस नहीं अप्लाई करने चाहिए एंड सेंसिटिव स्किन पे तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करने चाहिए, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्किन बर्न हो जाती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप गलत नहीं हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, आप ही के जैसा सोचती थी मैं। बट फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ये फेम नेचुरल्स की ब्लीच से। सो दिस इज़ अ रियली नाइस ब्लीच। सो दिस इज़ अ नेचुरल हर्बल ब्लीच एंड इट इज़ जेंटल एंड सेफ ऑन द स्किन। तो मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी हर्बल ब्लीचेस अवेलेबल हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ब्लीचेस ट्राई किए हुए हैं एंड उन सब में मुझे ये फेम ब्लीच बहुत अच्छी लगी। तो मेरे पास अभी ओलिविया की भी एक ब्लीच है, दिस इज़ ऑल्सो हर्बल ब्लीच एंड दिस इज़ ऑल्सो हर्बल ब्लीच। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर दीज बोथ प्रोडक्ट्स एंड आई विल टेल यू कि मुझे ये ब्लीच क्यों पसंद है एंड ये ब्लीच उतनी ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगती है कंपैरिजन टू फेम नेचुरल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ब्लीचेस के इंग्रेडिएंट्स की। तो अगर मैं फेम ब्लीच की बात करूँ तो इसमें इन्होंने यूज़ किया है लेमन, ऑलिव ऑयल, हल्दी एंड चंदन। एंड ओलिविया ब्लीच की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी हल्दी, चंदन, नींबू, बट इन्होंने ऑलिव ऑयल की जगह एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। सो एलोवेरा जेल भी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, बट फेम नेचुरल्स में आई थिंक इन्होंने जो प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं वो इन्होंने यूज़ किए हैं, बिकॉज आप जब से यूज़ करेंगे फेम नेचुरल्स की ब्लीच को देन यू विल सी दी डिफरेंस कि आपको इस ब्लीच से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने आपको इस ब्लीच से मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फेम ब्लीच दे हैव नॉट यूज्ड अमोनिया विच मेक्स इट जेंटल एंड सेफ फॉर द स्किन। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज इट इज़ क्लिनिकली टेस्टेड, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट, आई हैव सीन द रिजल्ट्स। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये ब्लीच मुझे इस ब्लीच से ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई विल से कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस ब्लीच को। अगर आप सेंसिटिव स्किन है आपकी तो भी आप इस ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ रियली नाइस ब्लीच। एंड फेम इज़ इंडियाज नंबर वन ब्लीच ब्रांड एंड इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फेम हर्बल ब्लीच विल गिव यू दी स्किन, विल कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड, इट विल अनक्लॉग योर पोर्स एंड इट विल क्लियर योर कॉम्प्लेक्शन एंड इट विल गिव यू द इंस्टेंट ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन एंड इट विल इवन योर स्किन टोन, नरिशेज योर स्किन। तो मैं आपको जितने भी फ़ायदे बताऊँ इसके वो कम होंगे। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फेम ब्लीच में, फेम ब्लीच का ये प्रोडक्ट मुझे मिलता है 20 रुपीज़ में एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। एंड ओलिविया का ये प्रोडक्ट भी आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा एंड इसकी भी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। तो फेम ब्लीच में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या मिलता है इसके साथ। सो हेयर यू विल गेट दी एक्टिवेटर एंड दी ब्लीच एंड उसके साथ इन्होंने ये बुकलेट भी दी हुई है जिसमें दे हैव मेंशन हाउ टू यूज इट, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसे यूज करने से पहले। तो जैसे कि मैं आप सबको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करने वाले हैं अगर फर्स्ट टाइम, तो हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, पैच टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे कैसे रिएक्ट करे हमें नहीं पता, तो पैच टेस्ट इज़ अ मस्ट। तो आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए, आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए कुछ भी अप्लाई करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने प्रिकॉशंस बिफोर यूज़, आफ्टर यूज़ सब कुछ मेंशन किया हुआ है हाउ टू यूज़ दिस। तो ये दो चीज़ें आती हैं फेम ब्लीच के साथ एंड ये पूरा प्रोडक्ट एक ही बार में यूज़ हो जाता है। तो आपको एक बार में अगर ब्लीच करना है तो आपको ये 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा एंड एक बार में ही ये ख़त्म हो जाएगा।
एंड ओलिविया का भी ये वाला प्रोडक्ट आपको 20 रुपीज में मिलेगा एंड इसके अंदर हमें मिलता है सेम ब्लीच एंड एक्टिवेटर एंड इसके साथ भी इन्होंने ये बुकलेट कुछ ये दिया हुआ है हाउ टू यूज़ कि कैसे यूज़ करना है क्या करना है तो ये सब चीज़ें आती हैं इसके साथ. तो एक ब्लीच क्रीम है एंड दिस इज़ अ एक्टिवेटर तो ये दो चीज़ें आती हैं. ये भी आपका 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट एक बार में यूज़ हो जाएगा. आप इसको सेकेंड टाइम नहीं यूज़ कर सकते. एक बार में आपको पूरा प्रोडक्ट निकाल के यूज़ करना पड़ता है. A few moments later. सो फाइनली इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप फेम ब्लीच को ट्राई कीजिए बिकॉज रिजल्ट्स मुझे फेम ब्लीच के ज़्यादा अच्छे लगे एंड आई कैन ट्रस्ट फेम ब्लीच मोर देन ओलिविया. आई हैव ट्राइड बोथ दी प्रोडक्ट्स एंड मुझे फेम नेचुरल हर्बल ब्लीच ज़्यादा अच्छी लगी एंड दिस इज़ इंडियाज़ नंबर वन ब्लीच ब्रांड. तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेफ है, आप बेफिक्र होके इसे यूज़ कर सकते हैं. मुझे काफ़ी सही लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं. सेंसिटिव स्किन के लिए कुछ भी अगर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूं बिकॉज आई नो कि सेंसिटिव स्किन पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले कितना डर लगता है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, अच्छा होगा नहीं होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि एक बार ये अगर आप ब्लीच ट्राई करना चाहते हैं एंड अगर आप इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं ब्लीच अच्छी नहीं होगी स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए तो बिल्कुल बेकार होती है, और अगर आपको ट्राई करना है, मन है करने का, देन यू कैन यूज फेम हर्बल ब्लीच. दिस इज अ रियली नाइस ब्लीच. दिस इज अ सेफ एंड गिविंग यू द रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन एज वेल. ओके, सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.